अपने हक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सुजानपुर के ओजस्वीन महाजन ने 10वीं कक्षा में 700 में से 700 अंक प्राप्त कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के लिए इस छात्र की अलग से परीक्षा लेने के बाद उसका परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा के छात्र ओजस्वीन महाजन ने हाईकोर्ट शिमला में याचिका दायर की थी कि उसका हिंदी का पेपर जो नहीं लिया गया था उसे लिया जाए, उसके बाद उसका परिणाम घोषित किया जाए। इस छात्र द्वारा हाईकोर्ट शिमला में याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर न्यायालय द्वारा तत्काल सुनवाई करते हुए रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। घोषित होने वाले दिन ही छात्र की सुनवाई के चलते रिजल्ट देरी से डिक्लेयर किया गया। उसमें निर्देश दिए गए थे परिणाम घोषित होने के बाद छात्र की मेरिट लिस्ट ना निकाली जाए। ये मेरिट लिस्ट तभी निकाली जाए जब छात्र 10वीं कक्षा का पेपर दे दे। न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए इस छात्र का जो पेपर नहीं हुआ था उसे लेने के भी निर्देश दिए। बाद में बोर्ड द्वारा उस छात्र के साथ साथ अन्य छात्र जो परीक्षा नहीं दे सके थे उनका 12 जुलाई को परीक्षा लेने के लिए धर्मशाला बुलाया गया। साक्षात्कार के दौरान छात्र ओजस्वीन महाजन ने बताया कि 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर उनका रह गया था, जो कि कोविड संक्रमित होने के चलते नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि वे परीक्षा देने परीक्षा हाल पहुंचे थे, लेकिन वहां निर्देश के अनुसार जो छात्र संक्रमित हैं उनकी परीक्षा नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि उस दौरान भी उन्होंने परीक्षा देने के लिए पीपीई किट पहनकर परीक्षा देने की बात की थी, जिसको अनसुना करके उन्हें घर वापस भेज दिया गया। घर आकर जब उन्होंने सारा वृतांत परिजनों को सुनाया तो सभी हैरान थे, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिए गए परीक्षा के बाद उनका परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें उन्हें 700 में से 700 अंक प्राप्त हुए हैं। छात्र ओजस्वीन महाजन ने हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी आवाज को उन्होंने सुना और उनके हक में फैसला दिया, जिसके लिए वे न्यायालय के सदा आभारी रहेंगे। को मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि मैं ही नहीं, जो भी कोविड संक्रमित बच्चे थे उनकी एक इच्छा थी कि वो भी अपने एक बार अपना जो उन्होंने साल भर मेहनत की है उसको उनको दिखाने का एक बार मौका मिले और वो भी अपने अंक जो है उनको बढ़ा सके, क्योंकि इस पे ही उनका आगे का पूरा जीवन जो है वो उन्हीं पे चलता है, 10वीं और 12वीं के अंकों पर। इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो थे यहाँ पे उन्होंने बच्चों का साथ दिया और तत्काल निर्णय किया कि बच्चों का जो है वो परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि इसी परीक्षा पे बच्चों का जो है पूरा जीवन टिका हुआ और ऐसे बच्चों के जीवन के साथ और बच्चों की जो पूरा आगे उन्होंने कार्य करना उनके उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाए। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमें हमारे बारे में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और हमारा साथ दिया, और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हों और जो भी जनहित के लिए जो भी मांग उठाई जाए उसके बारे में बहुत ही सही जो है वो निर्णय हमारी जो न्यायपालिका है वो अवश्य ले। महाजन हूँ और मैं सुजानपुर टेहरा में रहता हूँ। मैं महाराजा संसार चंद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और वहाँ पे मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। और मैं जब कोरोना की महामारी बहुत बढ़ गई थी, जब दूसरी लहर आई, तब मैं कोरोना से ग्रसित हो गया था लगभग 8 अप्रैल को। तो उसके बाद जब मेरी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पर तब भी मैं अपने परीक्षा की तैयारी करता रहा, क्योंकि 13 अप्रैल को मेरी परीक्षा थी हिंदी की। और जब 13 अप्रैल को परीक्षा हुई तो मैं स्कूल गया, मैंने पूछा कि मैं परीक्षा देना चाहता हूँ, मैं अलग कक्ष में बैठ के अपनी परीक्षा दे सकता हूँ। तो मुझे वहाँ पे बैठे हुए अध्यापकों ने और वहाँ पे आए हुए जो अधीक्षक थे उन्होंने मेरे को कहा कि तुम यहाँ पे परीक्षा नहीं दे सकते हो, तुम्हारी परीक्षा बाद में दी जाएगी। मैंने कहा कि मेरी परीक्षा अगर नहीं हुई तो फिर मेरे को अंक भी मेरे को चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है, पूरा वर्ष मैंने मेहनत की है, तो मैं पीपीई किट पहन के भी अपने परीक्षा दे सकता हूँ। पर उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, अभी आपकी परीक्षा नहीं होगी, बोर्ड ने आपकी परीक्षा इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद एक माह बाद लेनी है, तो तब आप परीक्षा दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं हो गई। उसके बाद आया कि हमारी जो परीक्षा होगी उसके जो अंक बनेंगे वो उसमें 5 अंक जो होंगे वो हमारी हिंदी की परीक्षा के होंगे, जो कोविड जो रद्द होने से पहले परीक्षा रद्द होने से पहले एक परीक्षा हुई थी उससे। तो मैंने जब देखा कि मेरे को तो फिर 2 ही अंक चढ़ेंगे, क्योंकि मैं परीक्षा दे नहीं पाया था। और जब हमने उनसे संपर्क किया तो कहा कि नहीं, आपकी परीक्षा नहीं हो सकेगी,
इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, मैं अगर इतना वर्ष भर मेहनत करने के बाद भी मेरे तीन तीन अंक सभी सभी विषयों से कट रहे हैं और मेरे को केवल 21 21 नंबर का मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं मैं झेल सकता हूँ इतना नुकसान, और मेरे को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने परिजनों से संपर्क किया कि मुझे मेरी मदद करें और मेरे को ये अंक गिराने में मेरी सहायता करें। मैंने जब बात की कि मेरे को भी परीक्षा का मौका दिया